दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई कंपनी के बारे में। कंपनी नई तो नहीं कह सकते, यह कहना गलत होगा कि नई कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी पुरानी है लेकिन पहले कुछ और प्रोडक्ट लेके वो मार्केट में आई हुई है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा फेमस प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ, सस्पेंस में नहीं रखता हूँ। एक हम जानते हैं जेके सीमेंट लिमिटेड को। जेके सीमेंट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट आता है जेके वालमैक्स पुट्टी। जी हाँ दोस्तों, जेके वालमैक्स पुट्टी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को लेके इस कंपनी को एक सम्मानित पुरस्कार मिला हुआ है, सम्मानित टैग मिला हुआ है जिसको हम बोलते हैं सुपर ब्रांड्स टैग। यह टैग पिछले 4-5 साल से लगातार कंपनी को मिलता आया है इस प्रोडक्ट को लेकर के। ठीक है दोस्तों, लेकिन आजकल मार्केट ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं और एक नए रूप में हमारे सामने आई है। हमारे सामने से मतलब है मार्केट के सामने आई है। मार्केट में इन्होंने अपने कुछ पैंट प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अव्वल दर्जे के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो वह कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस नाम से इस कंपनी ने पैंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, उन्हीं पे हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस चर्चा में आज हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस नाम से हैं, किस कैटेगरी में वो आते हैं। ठीक है, कितने रेंज में इस कंपनी ने पैंट्स को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह जानकारी आप तक पहुंचे उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो में संपूर्ण रूप से बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। और एक बात दोस्तों, समस्त बंधु भाइयों को वीडियोस पे प्यार सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ऐसे ही प्यार सम्मान बनाए रखिएगा। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ और अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भिकाजी टॉक वॉक में। दोस्तों आज की हमारी चर्चा जैसे कि आप जानते हैं जेके पैंट्स के बारे में होने वाली है। हालांकि इस कंपनी का नाम जेके सीमेंट लिमिटेड है। इस कंपनी की पहले पुट्टी आती है, अभी भी आती है। ठीक है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन आजकल कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं मार्केट में। ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं प्रोडक्ट्स हैं पैंट के। उस पैंट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, यह है हमारी चर्चा होने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा या कंपनी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं वीडियो में एक कंपनी के स्टाइल से। वेलकम टू द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ जेके मैक्स पैंट्स, कलर ऑफ जॉय, ये स्लोगन है कंपनी का। ठीक है, और बात करते हैं वेलकम टू द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ जेके मैक्स पैंट्स। ठीक है, तो जेके मैक्स पैंट्स में अपने दो क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, एक एक्सटीरियर रेंज में और एक इंटीरियर रेंज। इंटीरियर में जो प्रोडक्ट आते हैं उसको कंपनी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इकोनॉमी रेंज, प्रीमियम रेंज और लग्जरी रेंज। ठीक उसी प्रकार जो बाहर की दीवारों के पेंट आते हैं उसको भी कंपनी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इकोनॉमी रेंज, प्रीमियम रेंज और लग्जरी रेंज। ठीक है दोस्तों, इस प्रोडक्ट की जो ये मैंने रेंज बताई है, ये रेंज है इमल्सन्स की। इमल्सन्स बोले तो जो प्लास्टिक पेंट की कैटेगरी में आते हैं उन्हें हम इमल्सन्स कहते हैं। एक प्रोडक्ट और आता है दीवारों के लिए जिसको हम डिस्टेम्पर के नाम से जानते हैं। डिस्टेम्पर को कंपनी ने जेके जंबो के नाम से लॉन्च किया हुआ है। पीले कलर की बकेट है, बहुत अच्छी प्यारी सी बकेट लगती है और पेंट की क्वालिटी भी अव्वल दर्जे की है। क्या इसके अंदर कवरेज है, कितनी वाइटनेस मिलेगी, कितने कलर शेड हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसको डाइल्यूट किस तरह से करेंगे, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, ये समस्त जानकारी लेंगे हम तब जब इस पर्टिकुलर वीडियो की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक विस्तार पूर्वक चर्चा वीडियो पे हम करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में यह जान लेते हैं कि वह कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया जो डिस्टेम्पर आता है जेके पैंट्स का, वो आता है जंबो, जेके जंबो के नाम से। ठीक है, इसकी पैकिंग साइज आपको 20 kg, 10 kg और 5 kg मार्केट में देखने को मिलेगी। पीले कलर की बकेट है जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, यदि हम इसके प्राइस कैटेगरी बात करें तो प्राइस कैटेगरी लगभग वही है जो बाकी के कॉम्पिटिटर में इसके पैंट आते हैं उनकी है। जैसे कि एशियन पैंट्स का जो प्रोडक्ट आता है इसके कॉम्पिटिशन में, वो आता है ट्रैक्टर ऊनो। बर्जर पैंट्स का जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इसके अंतर्गत आता है वो आता है बाइसन डिस्टेम्पर। ठीक है, बाकी कंपनी के भी आते हैं। तो यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो 800-850 रुपए का आपको 20 किलो का बकेट मार्केट में देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इकोनॉमी रेंज के इमल्सन्स की।
इकोनॉमी रेंज में जो जेके पैंट्स ने इमल्सन लॉन्च किया है वो किया है आइकॉन के नाम से। जी हाँ दोस्तों, आइकॉन में 3 वैरायटी कंपनी ने लॉन्च की हुई हैं, आइकॉन, आइकॉन एडवांस और आइकॉन साइन। ठीक है, आइकॉन साइन जैसा कि आप नाम से जानते हैं चमक वाला पैंट है, आइकॉन एडवांस में कुछ क्वालिटी अच्छी होगी और आइकॉन इसका बेसिक प्रोडक्ट रहेगा इंटरवॉल फिनिश के लिए। यदि हम इसके कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन में आने वाले प्रोडक्ट यदि हम बात करें एशियन की, तो वहाँ पर ट्रैक्टर की रेंज आती है, यानी कि ट्रैक्टर इमल्सन, ट्रैक्टर एडवांस और ट्रैक्टर साइन। ठीक है, तो जो ट्रैक्टर की रेंज आती है वो एशियन पैंट्स में आती है, बाइसन इमल्सन की जो रेंज आती है वो बजर पैंट में आती है, और प्रॉमिस की जो रेंज आती है वो ड्यूलक्स पैंट में आती है। बाकी की कंपनियों में भी कुछ रेंज आती हैं, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आइकॉन प्रोडक्ट है इसके कंपटीशन में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं मैंने आपको वो बताया। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोडक्ट की भी क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत अव्वल दर्जे की होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर वाल फिनिश की। ये तो थी इंटर वाल फिनिश। एक्सटीरियर वाल फिनिश में जो इसका प्रोडक्ट आता है वो आता है निंजा के नाम से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप डिस्प्ले डिब्बा देख रहे हैं, यह इसका निंजा का प्रोडक्ट है। निंजा में 3 प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, एक निंजा, निंजा एक्टिव और निंजा साइन। यदि हम इसके कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर इसका है एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट, जिसको हम जानते हैं एस के नाम से। तो एस में जो रेंज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि एस, एस एडवांस और एस साइन, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा निंजा, निंजा एक्टिव और निंजा साइन। निंजा एक्टिव जो है इनका एस स्पार्क की रेंज का प्रोडक्ट है, यदि एशियन में हम इसके कंपटीशन की बात करें तो। ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ पर यह समझे कि आइकॉन इसका इंटर वाल फिनिश के लिए प्रोडक्ट है और निंजा इसका एक्स्ट्रा वाल फिनिश के लिए प्रोडक्ट है। ठीक है, इकोनॉमी रेंज के प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं इसके प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट के बारे में। प्रीमियम रेंज में जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं उस प्रोडक्ट का नाम है ट्रेंड। ट्रेंड इसने इंटर वाल फिनिश के लिए लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो इंटर पैंट्स में जो जेके मैक्स का प्रोडक्ट आता है वो आता है ट्रेंड के नाम से। और यदि बात करें हम एक्सटीरियर वाल फिनिश की, तो एक्सटीरियर वाल फिनिश के लिए जो पैंट जेके पैंट्स ने लॉन्च किया हुआ है वो किया हुआ है आर्मर के नाम से। आर्मर में आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग देखने को मिल जाएंगी। ठीक उसी प्रकार ट्रेंड में भी आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी के यह प्रोडक्ट होने वाले हैं। प्रोडक्ट क्यों होने वाले हैं, क्योंकि इनका जो जेके मैक्स पुट्टी है उसने आज तक मार्केट को निराशा नहीं दी है, या निराशा देखने को नहीं मिली है मार्केट के अंदर। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, और सुपर ब्रांड कोई ऐसे ही नहीं हो जाता दोस्तों। बड़ी अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है प्रोडक्ट के अंदर। उसके साथ साथ मार्केट में, मार्केट का आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, मार्केट में सप्लाई कैसी है, ठीक है, दुकानदार को माल पहुंचाने में जो टाइम लगता है वो कैसा है, चैनल पार्टनर्स कितने हैं, इन सभी बातों का इसमें एक विशेष योगदान होता है। और मैं समझता हूँ जेके पैंट्स इसमें अच्छी तरह भली भांति परिपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके सुपीरियर प्रोडक्ट की, यानी कि लग्जरी कैटेगरी के प्रोडक्ट की। यदि लग्जरी कैटेगरी में हम बात करें और बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पैंट की, तो एक्स्ट्रा पैंट में जो इसका लग्जरियस प्रोडक्ट आता है भारी दीवारों के लिए वो आता है मैक्सिमो के नाम से। 8 साल की वारंटी के साथ आता है। ठीक है, और यदि इसकी पैकिंग साइज की बात करें तो वही 1 लीटर, 4 लीटर, 10 और 20 लीटर की पैकिंग में आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरवाल फिनिश की। तो इंटरवाल फिनिश में जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है लग्जरी कैटेगरी में वो आता है मजिस्टा के नाम से। मजिस्टा यदि इसके कंपटीशन की बात करें तो एशियन में इसका कंपटीशन रॉयल के साथ है, बजर में इसका कंपटीशन रॉयल सिल्क ग्लो के साथ है, और यदि बात करें ड्यूलक्स कंपनी की तो वहाँ पर इसका कंपटीशन वेलवेट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यह कंपटीशन इन प्रोडक्ट्स के साथ इसका होने वाला है, और इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी निकल के आने वाली है। एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ना कीजिए कोई बात नहीं, 20 लीटर का मत कीजिएगा, लेकिन 1 लीटर का प्रोडक्ट इसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और कंपेयर कीजिएगा इसके कंपटीशन से। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे प्रोडक्ट होने वाले हैं। यदि हम मजिस्टा की पैकिंग साइज की बात करें तो यह 1 लीटर, 4 लीटर, 10 और 20 लीटर की पैकिंग में मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमो की बात करें तो इसकी भी लगभग यही पैकिंग आपको देखने को मिलेगी। एक विशेष प्रोडक्ट जेके मैक्स ने यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है
आर्मर 5-in-1 एक ऐसा पैंट लॉन्च किया है जिसको हम इंटर वॉल फिनिश पे और एक्सटर वॉल फिनिश पे दोनों पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसको करने का क्या तरीका है, क्या उसके पैकिंग साइज हमें देखने को मिलेंगे, कलर शेड की रेंज क्या होने वाली है, कवरिंग क्या देखने को मिलेगी, डाइल्यूट करने का रेशो क्या है, इन सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा हम तभी करेंगे जब इस प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे। आज का मोटिव यह है कि आपको जानकारी हो जाए कि जेके मैक्स ने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जो चर्चा की वो की डिस्टेंपर और इमल्सन्स के बारे में, अब बात कर लेते हैं बेस कोट के बारे में। बेस कोट यानी कि प्राइमर, पुट्टी तो इसका आता ही है जेके वॉलमैक्स के नाम से, एक जेके एडवांस के नाम से भी इन्होंने पुट्टी लॉन्च की हुई है। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बेस कोट में जो जेके मैक्स के प्रोडक्ट आते हैं, पुट्टी के अंदर जेके वॉलमैक्स इसका पुट्टी में आता है, और यदि हम बात करें प्राइमर की, तो प्राइमर में कंपनी तीन रूप से सामने आई है, या कह सकते हैं कंपनी ने जो प्राइमर लॉन्च किया है वो तीन प्रकार से लॉन्च किया हुआ है। किस किस नाम से लॉन्च किया हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा। वो नाम है, पहला है जेके प्रीमा। जी हाँ दोस्तों, जेके प्रीमा, जेके प्रीमा एक्सटीरियर और जेके प्रीमा 2-in-1। ठीक है दोस्तों, ये प्राइमर के अंदर पैंट आते हैं जो प्राइमर्स लेटेक्स पैंट में, यानी कि लग्जरी पैंट में, इकोनॉमी पैंट में या प्रीमियम पैंट्स में, जो इसके इमल्सन्स कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं उसके लिए प्राइमर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जेके प्रीमा एक्सटीरियर और जेके प्रीमा 2-in-1। ठीक है, इनकी पैकिंग साइज आपको मार्केट में वही 1 लीटर, 4 लीटर, 10 और 20 लीटर की पैकिंग में देखने को मिलेगा। इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब बात कर लेते हैं इनेमल की। ठीक है, इनेमल में भी कंपनी ने अपने इनेमल लॉन्च किया है, इनेमलो के नाम से इन्होंने पेंट लॉन्च किया है, जिस पे आप देखेंगे लिखा हुआ ENAMELO, इनेमल को इनेमलो कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर आपको समस्त वो पैकिंग देखने को मिलेंगी जो इसके कॉम्पिटिशन्स की आती हैं। यदि हम एशियन में बात करें तो एशियन में एप्कोलाइट इनेमल आता है। एप्कोलाइट इनेमल में आपको 1 लीटर, 4 लीटर, आधा लीटर, 10 और 20 लीटर की पैकिंग देखने को मिलती है, तो वही पैकिंग आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाई ग्लॉस पैंट होगा, अच्छी क्वालिटी का पैंट होगा। अब इनेमल के लिए जो बेस कोट आते हैं वो भी कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, यदि हम बेस कोट्स की बात करें तो जेके प्रीमा वाइट, यह बेस कोट है लकड़ी के लिए और दीवार पे ऑयल बेस सरफेस बनाने के लिए। ठीक है, वाइट कलर का प्राइमर होगा। उसके बाद एक इसका पैंट प्राइमर आता है जेके प्राइमो रेडोक्साइड के नाम से। ठीक है, जैसे कि आप इसमें जानते हैं रेडोक्साइड लिखा हुआ है। ठीक है, प्रीमा रेडोक्साइड के नाम से, जैसा कि आप जानते हैं इस पर रेडोक्साइड लिखा हुआ है, तो ये मेटल सरफेस के लिए प्राइमर है। ठीक है दोस्तों, तो ये समस्त प्रोडक्ट जेके मैक्स पेंट्स ने लॉन्च किए हुए हैं, और इनकी क्या प्रोडक्ट क्वालिटी होने वाली है इसकी चर्चा हम भी लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उस चर्चा की जानकारी आपको टाइमली पहुँचे उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच जाए और आप जब सबसे पहले जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है चर्चा, तो आज की चर्चा को विराम देते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।